क्या कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं आ रहा है, वो ना नकली रेशम होता है, रेशम की तरह का हम खुद बना लेते हैं, ठीक है, सेमी सिंथेटिक इसे कह सकते हैं, यानी आधा आप यूज करते हैं सेलुलोज वाली चीजें, कुछ आप केमिकल्स यूज करते हैं जिसकी वजह से आप रेशम जैसा कपड़ा बना सकते हैं। उसके अलावा बेटा वुड जो होती है उसमें मेनली है क्या, सेलुलोज है, ठीक है, उसको पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है और पेपर की पल्प बनाने के लिए यूज किया जाता है, गूदा, मतलब पेपर का पहले गूदा बनता है उससे, उसके बाद उससे पेपर बनता है। तो ये सारे के सारे सेलुलोज की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब पीछे चलते हैं हम लोग, अब हम देख लेते हैं बेटा सुक्रोज के बारे में, ठीक है। सुक्रोज जो है वो कॉमन आपके पास टेबल शुगर है, जैसे आप लोग के घर में होता है ना कॉमन टेबल साल्ट जिसको NaCl कहते हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसी तरह से जो कॉमन टेबल शुगर है वो सुक्रोज है आपके घर में, ठीक है। तो आइंदा आपने अम्मी को कहना है कि भाई चाय में मामा सुक्रोज कम है, ठीक है, चीनी नहीं कहना, सुक्रोज कहना है। उसके बाद है हमारे पास बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है एनिमल स्टोर करते हैं मसल में और लिवर्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। आपने पढ़ा ना प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ये एज एन आर कह लो एक स्टोरेज टैंक समझ लो, ठीक है, ये एज ए रिजर्वायर अच्छा खासा स्टोर करके रख लेते हैं हम लोग, बहुत चलाक हैं हम लोग, सारा ग्लूकोज जो बच जाता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं, और जब भी हमें मतलब खाना नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, तो फिर ग्लाइकोजन बेचारा इसको दोबारा से हम तोड़ते हैं, हमारी बॉडी इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद हम कहते हैं कि इसे दोबारा से हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बेटा आपको पता है जो हमारा ब्रेन है ना, हम ब्रेन है उसको ना डायरेक्ट एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज वाली, वो कभी भी फैट्स वाली एनर्जी जो है ना वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फैट्स वाली एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है, और वो एनर्जी यूज करना उसके लिए कहले के एक टाइम टेकिंग होता है, और सबसे पहले जो खाना खाते हो ना ऑलमोस्ट आपकी 20% एनर्जी पूरी बॉडी की जो भी खाना है ना उसका 20% अकेला ब्रेन, उसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है। तो ब्रेन जो है वो प्योरली तभी आपका काम करता है जब आप कोई कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हो, तभी आपको थोड़ा होश आता है, अदरवाइज आप कहते हो पता नहीं मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, चक्कर आ रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मामा को पता चल जाता है ये लो पकड़ो रोटी खाओ, आप कहते हो नहीं रोटी से नहीं सही होगा, तो अलग बंदो आपने पढ़ा ब्रेड में भी क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो रोटी खाया करें। उसके बाद बेटा इन्होंने बताया है आपको कि प्लांट्स जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टार्च की, जब कहानी छिड़ गई तो फिर स्टार्च के बारे में पढ़ने लगे हम, हमने कहा स्टार्च जो है उससे बेटा बनाया जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल रही भाई, ऑक्सीजन जब नहीं मिल रही तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस तरह से होगी, ग्लूकोज ने चूंकि बनाना होता है, जब ऑक्सीजन मिलती है ना ग्लूकोज को तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस तरह की चीजें बनाता है, लेकिन जब इसे नहीं ना मिलती है ग्लूकोज तो ये ब्रेक होके तो कोई अल्कोहल बना देता है, ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड भी आप लोग पढ़ते होते हो, अल्कोहल बना देता है, तो वो अल्कोहल जो है ना इट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट ही है। अब मैम अल्कोहल लिख लेते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट लिखने की क्या जरूरत है, इतने बड़े स्पेलिंग याद करा रही हैं आप, तो ये जो अल्कोहल होती है ना बेसिकली बेटा ये प्योरीफाइड अल्कोहल होती है, जो पहले अल्कोहल बनती है उसको डिस्टिल वगैरह करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं वो रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाती है। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट पता होती क्या, इसको कहाँ यूज करते हैं फर्दर, वो जो होता है ना वोडका होता है ना वोडका, VODKA, ठीक है, वोडका वगैरह बनाने के लिए, शराब वगैरह बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट को, मैं आज तरह से बोल रही हूँ ये वाली बात, ओके। उसके बाद आ जाता है बेटा स्टार्च को किस लिए यूज किया जाता है, डेक्सट्रिन बनाने के लिए यूज किया जाता है, डेक्सट्रिन भी एक कह लेके केमिकल सा होता है, ग्लू सा होता है, ठीक है, इसको एज एडहेसिव यूज किया जाता है, यानी कि एडहेसिव क्या होता है, अटैच वगैरह करने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, फैम पे वॉल पेपर ग्लू के तौर पर इसे यूज किया जाता है। सो बेटा ये थे आपके पास यूजेज और सोर्सेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, थोड़ी सी अगर आप कोशिश करोगे ना तो इतना कुछ समझने वाला नहीं है, कहानी टाइप चीजें हैं। अब हम बेटा देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट 13.2। अब इसमें देखें कहते हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन इन्होंने दिया, मैं जैसे आपको पता नहीं आया भी होगा कुछ के नहीं आया, बहुत इजी दिया हमें, कह रहे थ्री एग्जांपल्स बताएं मोनोसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स तो आपने बड़े किया हुआ है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, डेक्सट्रोज है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, डेक्सट्रोज से एक बात याद आई है, ये सारे मोनोसैकेराइड है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका यही, आप इधर चाहे सामने लिख दीजिएगा, डेक्सट्रोज से ये बात याद आई कि वो जो ड्रिप्स वगैरह नहीं लगाते जिन लोगों को मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल जाते हैं इस तरह के कामों के लिए, पता है ना ड्रिप लगनी है, पैसा लगना है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, ठीक है, और जो ग्लूकोज की बोतल होती है ना उसके अंदर होता है डेक्सट्रोज होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है वैसे और लिक्विफाई हुआ होता है, डेक्सट्रोज होता है। अब वो डेक्सट्रोज क्या करता है, जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है डेक्सट्रोज, जाके तो इसकी ब्रेकडाउन होती है, डेक्सट्रोज की ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होती है, उसके अलावा वाटर निकलता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से जो बंदा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा होता है ना वो सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों को डायरिया भी हुआ था ना उनको बड़ी ड्रिप्स लगाते हैं, क्योंकि उनका एक्सेस वाटर जो है बाहर निकल रहा होता है, इस वजह से उनको लगा देते हैं ड्रिप्स, ताकि उनकी जो वाटर की डेफिशिएंसी है वो जो है पूरी हो जाए, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसके साथ एनर्जी भी आपको
मिल रही होती है, तो जाहिर सी बात है कोई इसका काम तो होना चाहिए ना, ऐसे नहीं ना आपको प्राइस चढ़ाई जाना। उसके बाद दूसरा देखें क्वेश्चन आपके पास थे एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड की तीनों एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई थी, सुक्रोज थी, लैक्टोज थी और माल्टोज थी, ठीक है। उसके बाद कह रहे वन एग्जाम्पल बता दे ट्राइसैकेराइड की, एक ही पूछ रहे हैं, क्यों एक पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में उन्होंने बताई एक है रेफिनोज, टू एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, ये भी दो ही बताई थी आपको, सेलुलोज और स्टार्च। उसके बाद बेटा कह रहे हैं सोर्सेज बताएं सुक्रोज के, सुक्रोज किधर किधर होता है, मैम हमें नहीं पता किधर होता है, क्यों नहीं पता भाई, पीछे पढ़ के तो आए हो, शुगर केन वगैरह में होता है, ठीक है, फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, माल्टोज की बात कर रहे हैं तो माल्टोज सीरियल्स में होता है, लैक्टोज की बात कर रहे हैं तो ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। तो बेटा दिस टॉपिक इज क्वाइट सिंपल, ठीक है, इसमें एज सच इतना ज्यादा कुछ नहीं था, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।